ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आजम खान ने सीधे सीधे कोई बात नहीं कही है, बायकॉट करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारा एक मुस्लिम तबका तो अभी फैसला नहीं कर पाया जाए किधर, अभी वो हवा का रुख भांपने में लगा हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भले ही यूपी के अंदर अपना मायना रखती हो, अपना वजूद रखती हो, लेकिन रामपुर के अंदर आजम खान से ही समाजवादी पार्टी है। नतीजे जो है वो चौंकाने वाले नज़र आ सकते हैं। अगर जिस तरीके से जो घनश्याम सिंह लोधी की मुस्लिमों में पकड़ है, अगर वो उसको अपने पाले में लाने के लिए कामयाब होते तो नतीजे बहुत बेहतर होंगे उनके हक में। भाजपा को ये समझ लीजिए रामपुर की खास कर सीट, जैसे कि कहते हैं कि थाली में सजा कर दे दी कर दिया, लेकिन आज भी जो है गांव देहातों में जाओ तो जब तक पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरफ आजम खान कहेंगे उसी को हम सपोर्ट करेंगे, उसी को हम वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूँ आमिर खान और मेरे साथ हैं रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार और मैं इनसे जानूंगा रामपुर के चुनावी माहौल कैसा है, क्या समीकरण है और कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा दूँ, फैजान साहब हैं, रामपुर के सीनियर सहाफ़ी हैं। जी फैजान साहब, क्या कहेंगे कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? देखिए, कौन जीत रहा है इतनी आसानी से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ का रामपुर का जो इतिहास रहा है वो शख्सियत वाला रहा है। ज़्यादातर मुस्लिम तबका आजम खान की तरफ देखता है। अब आज जो समीकरण बने हैं, जो आजम खान और अखिलेश की मुलाकात हुई है, उसके जो भी मायने निकल कर आ रहे हैं, पब्लिक अभी उस पर सोचने में मजबूर है। जो यहाँ बायकॉट का विवाद एक शुरू हो गया है, उस बायकॉट से बड़ा असर पड़ा है मुस्लिम तबके पे। वो एक मतलब अनिश्चितता की स्थिति में है कि क्या करें क्या ना करें, किसको वोट दें कैसे करें। आजम खान ने सीधे सीधे कोई बात नहीं कही है, बायकॉट करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। जो बहिष्कार किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने रामपुर के, उसके बाद टिकट हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से मुहिबुल्ला नदवी साहब को और फिर आसिम राजा ने भी टिकट जो है नॉमिनेशन किया, तो उसको किस नज़रिए से देखा है? मुझे तो इसमें भी ये जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, इससे पार्टी में लोकल स्तर पे दो फाड़ दिख रहे हैं। अब वो दो फाड़ किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा खेल पाएंगे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी ने उतारा है, या बहुत अच्छा खेल पाएंगे। आजम खान तो इशारा कर चुके हैं, अब वो उनके विवाद में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कर पाएंगे समाजवादी के कैंडिडेट। तो इससे लोग क्या सोच रहे हैं रामपुर? लोग अभी अनिश्चितता की स्थिति में है, अभी थोड़ा सा टाइम है, रमज़ान में भी लोग बिजी हैं, लेकिन अभी सोचने पर मजबूर है। अभी मैं समझता हूँ बहुत सारा एक मुस्लिम तबका तो अभी फैसला नहीं कर पाया जाए किधर, अभी वो हवा का रुख भांपने में लगा हुआ है। अच्छा, लोकसभा का क्या समीकरण बैठ रहा है रामपुर? लोकसभा का समीकरण अभी दो चुनाव में तो मोदी वेव देखने को मिली है, बाकी इसके अलावा यहाँ पर कभी भी शख्सियत को लेकर हमेशा चुनाव हुआ, राष्ट्रीय राजनीति का उसमें कोई रोल नहीं रहा। चाहे वो नूर महल हो, आजम खां हो, जो यहाँ की लोकल पर्सनैलिटी होती है उसको देख के इलेक्शन हुआ करता है, लेकिन दो बार से मोदी वेव असर कर रही है, इफेक्टिव है यहाँ पर। अब की बार भी टिकट दिया गया है, देखिए अब मौजूदा सांसद हैं वो अपने काम पर वोट मांगेंगे या मोदी प्रधानमंत्री पर वोट मांगेंगे, क्या होता है ये देखने वाली बात, अभी दूर की कौड़ी है। अच्छा, इस बार देखने को कैसा लग रहा है कि भाजपा और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कितना टाइट मुकाबला होगा कांग्रेस का? टाइट असल में जो शुरू होते ही इंडी गठबंधन में जो उसमें भी बहुत सारे विवाद हुए हैं, सब अलग अलग राजनीति, मतलब अभी आम आदमी के लिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता बहुत तगड़ी फाइट देने वाला है इंडी गठबंधन। नहीं देगा? नहीं दे पा रहा। तो भाजपा को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा। अच्छा, मौजूदा सांसद के कामकाज कैसे हैं इस बार? मेरे ख्याल से एवरेज मान के चले। अच्छा, एवरेज किस तरीके से, कितने एवरेज मान रहे हैं? भाई, जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए हैं, यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता उनका। वक्त भी तो कम मिला है, डेढ़ वक्त भी कम मिला है और एवरेज काम उन्होंने किए हैं। चलिए, मैं बात करता हूँ मुजस्सिम साहब से जो BBC से आते हैं। मुजस्सिम, क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है रामपुर में? देखिए, जिस तरीके से अगर रामपुर में हम जो लोकसभा का इलेक्शन है, अगर उनकी जो पहले के अगर उनको कंपेयर करके देखें तो ये वाला जो इलेक्शन है वो काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इंडी गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मौजूद है, लेकिन रामपुर के अंदर हालात उससे अलग हैं,
क्योंकि समाजवादी पार्टी भले ही यूपी के अंदर अपना मायना रखती हो, अपना वजूद रखती हो, लेकिन रामपुर के अंदर आज़म खान से ही समाजवादी पार्टी है। और अगर आज़म खान को फेथ में नहीं लिया गया तो जो यहाँ के जो समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं मौलाना मोहिबुल्ला नदवी साहब, वो उनको काफ़ी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद भी हैं घनश्याम सिंह लोधी, और वो चुनाव मैदान में हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज़म खान के करीबी भी रहे हैं और उपचुनाव में उन्होंने इलेक्शन जीता था। तो इलेक्शन जीतने के बाद उनको हालांकि वक्त लगभग 1.5 साल का ही, जैसे अभी फैज़ान भाई ने बताया, वो कम ही मिला है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी कुछ, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, काफ़ी कुछ उन्होंने कराया है और उनकी छवि भी बेहतर है। और जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में रहे और BSP में भी रहे, तो उनका कहीं ना कहीं हिंदू मतदाताओं के साथ साथ जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें भी पैठ अच्छी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर लोकल स्तर पर बात की जाए तो भले ही वो चाहे मोदी के चेहरे को पसंद ना करें, लेकिन सांसद के रूप में जो है अखिलेश यादव को काफ़ी तादाद में मुस्लिम पसंद करते नज़र आते हैं, यही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। क्या मान रहे हैं कि इस बार आज़म खान की नाराज़गी भारी पड़ेगी? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खान का जो है अगर रामपुर के अंदर एक सियासत देखी जाए, कि अगर सही मायनों में देखा जाए तो आज़म खान सिर्फ रामपुर के नेता नहीं है, आसपास की बेल्ट पे भी बहुत बड़ा असर आज़म खान की मौजूदगी से पड़ता है, चाहे मुरादाबाद हो या आपका अमरोहा हो, बिजनौर हो, वहाँ तक पर उनके जो एक तरीके से जो अल्फाज निकलते हैं उनका असर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अभी चुनाव है, वो हालांकि ये बात अलग है कि उनको 7 साल की सज़ा दो मामलों में, अलग अलग मामलों में 7-7 साल की हो चुकी है, लेकिन वो किंग बनने की भूमिका में नहीं है, मगर किंग मेकर ज़रूर वो बनेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से उनकी चिट्ठी के बाद रामपुर के अंदर जो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर की जो उसमें मौजूदगी में और जो उनकी सरपरस्ती में जिस तरीके से जो आज़म खान के खेमे ने विद्रोह किया और अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा, तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भले ही समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्ष हैं या पूर्व प्रत्याशी आसिम राजा रहे हों, वो कहीं ना कहीं अपना लीडर अखिलेश यादव को नहीं आज़म खान को मानते हैं, ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इसका मैसेज भी गया है। और इसके अलावा दोनों ही उनके जो आज़म खान के करीबी हैं अब्दुल सलाम, और वो ज़िला पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं, तुर्क बिरादरी से आते हैं, और समाजवादी के कैंडिडेट जो हैं वो भी तुर्क बिरादरी से हैं। आसिम राजा, हालांकि उनकी बिरादरी कम है, लेकिन आज़म खान का उनके ऊपर हाथ होने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उपचुनाव में इतनी लाख शक्ति के बाद भी 40,000 वोटों से उनकी हार हुई है। तो कहीं, और ये तो आम चुनाव है, तो आम चुनाव में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। और वहीं जो घनश्याम सिंह लोधी हैं उनको भी कहीं ना कहीं भीतरघात से जो है महफूज रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ भी भीतरघात हो सकता है। जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे वो जो एक संगठन है वो कहीं ना कहीं दो खेमों में बटा नज़र आ रहा है, तो उसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ सकता है। और रहा सवाल ये है कि एक चर्चित चेहरा महमूद प्राचा जो रामपुर के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से वो एक तरीके से देखा जाए तो ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका चाहे मतलब भले ही समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, लेकिन वोट प्रतिशत दिन ब दिन उनका बढ़ता चला जा रहा है। जो उनके वक्तव्य हैं और एक तरीके से देखा सुप्रीम कोर्ट के माना हुआ वकील हैं, वो अपनी विभागीय से जिस तरीके से चाहे वो TV चैनल हो या और कोई स्टेट हो उस पर अच्छे तरीके से बात रखते नज़र आ रहे हैं, वही रामपुर के अंदर भी अभी कल चुनाव निशान मिला है और आज से जो है उनकी तरफ से भी प्रचार शुरू हो गया है। एक बात और है कि यहाँ पर जो समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं उनको नूर महल यानी जो नवाब ख़ानदान है उसको फेथ में लेना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही बेगम नूरमानो इस बार उनकी पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, उनको भले ही चाहे मौका नहीं मिला हो, ये समाजवादी के खाते में चली गई हो ये वाली सीट, लेकिन आज की तादाद में अगर वो रामपुर से चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे, क्योंकि बहुत मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही थी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले। उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उनको फेथ में नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए राह आसान नहीं होगी, एक तो आज़म खान और दूसरे उनको नूर महल को कहीं ना कहीं फेथ में लेना उनके लिए ज़रूरी है। कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है?
देखिए, रहा सवाल ये कि 17,16,000 वोट है रामपुर के अंदर, और उसमें 52% जो है वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर हैं, और उसके अलावा 42% जो हिंदू वोटर हैं, उसके अलावा जो बाकी के जो बचे हुए हैं उसमें यहाँ पर ईसाई भी हैं और सिख भी हैं और बौद्ध भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक नतीजे जो है वो चौंकाने वाले नज़र आ सकते हैं। अगर जिस तरीके से जो घनश्याम सिंह लोधी की मुस्लिमों में पकड़ है, अगर वो उसको अपने पाले में लाने के लिए कामयाब होते हैं तो नतीजे बहुत बेहतर होंगे उनके हक़ में, और नहीं तो अगर इधर अगर इंडी गठबंधन एकजुट होता है तो नतीजे इधर भी हो सकते हैं। रामपुर लोकसभा का क्या समीकरण बनता दिख रहा है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक रहा सवाल ये कि रामपुर में अगर आप चुनावों की बात करें 1952 से लेके आज तक के जो भी चुनाव हैं, कभी रामपुर के अंदर धर्म के आधार पर वोट नहीं करता कोई भी, क्योंकि बड़ी तादाद में जो कई इलाके हैं जैसे ज्वालानगर है या कई और इलाके हैं जो हिंदुओं के गढ़ माने जाते हैं, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट निकलते रहे, मिलते रहे हैं। और जो मुस्लिम एरिया हैं, चाहे घेर मर्दान खां हैं, पक्का वाग हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो वोट जो है कहीं का कहीं जा सकता है और नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। मौजूदा सांसद से कामकाज कैसे? देखिए, जहाँ तक अगर मौजूदा जो सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी, उनकी बात की जाए तो एक तरीके से देखा जाए कि उनको वक्त बहुत कम मिला है, और वक्त कम मिलने के बाद काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, और उसी के बल पर वो वोट मांगते नज़र आ रहे हैं, और उनके दरबार में भी अगर कोई चला जाता है तो उनकी जो है एक सहानुभूति लोगों के साथ मिलती रहती है, और वो इसमें का 1952 से लेके आज 1924 में जब चुनाव हो रहे हैं तो वो पहला ऐसा प्रत्याशी है जो गांव देहात से आता है, जो मतलब ग्रामीण इलाके के सांसद हैं, नहीं तो इनके अलावा जैसे नवाब रहे यहाँ पर तो शहर से हमेशा से रामपुर की सियासत चलती रही, लेकिन अब की बार जो है ठीक इसके उलट देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपने आप में पकड़ रखते हैं घनश्याम सिंह लोधी। हालांकि ये बात अलग है कि भाजपा में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए, लगभग 1.5 साल का या 1.5-2 साल का वक्त ही हुआ है, तो वो अपने आप को किस तरीके से सेट कर पाते हैं या उनकी बातों से किस तरीके से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो वर्कर है वो मुतासर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, गठबंधन यानी कांग्रेस और भाजपा में कितनी टाइट मुकाबला दिख रहा है आपको? देखिए, अगर गठबंधन कांग्रेस की अगर बात करें तो एक तरीके से देखा जाए तो जो मुस्लिम जो मतदाता था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ था, वो राहुल गांधी को अपना चेहरा मान के चल रहा था, और जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन हुआ तो अगर इस जो ये मुस्लिम जो बेल्ट में अगर एक बात को कहा जा सकता है कि एक तरीके से अखिलेश यादव को या उनकी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिली है इस गठबंधन होने के नाते। अगर तीनों पार्टियां रामपुर में अगर अलग अलग चारों चुनाव लड़ती तो नतीजे कांग्रेस के हक में ही दिखाई दे रहे थे रामपुर में, क्योंकि नूर महल पूरी तैयारी के साथ था और उनके पास जो है एक बेगम नूरमानों के नाम पर नाम का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जबकि समाजवादी पार्टी में क्योंकि आज़म खान किंग नहीं बन सकते लेकिन किंग मेकर ज़रूर रहेंगे, और वो भी जेल के अंदर हैं तो जेल से आप समझ ही सकते हैं क्योंकि कैदी हैं और नियम मुलाकात में जो आड़े आ रहे हैं 7 दिन में एक ही मुलाकात होगी, वो भी 2 या 3 लोग मिल सकते हैं, तो ज़्यादा उनकी बात भी बाहर नहीं आ सकती। अच्छा, मुजस्सिम साहब एक सवाल और लेना चाह रहा था आपसे मैं कि राहुल गांधी की यात्रा से कितना फ़ायदा होगा, क्यों होगा, वजह कितना फ़ायदा मान सकते? देखिए, अगर देखा जाए कि अगर आप नेशनल लेवल पर देखेंगे तो दो ही तरीके की जो है राजनीति चलती है, एक आपका कांग्रेस के का फेवर करती है और दूसरी तरफ जो है आपका भारतीय जनता पार्टी है, और कहीं ना कहीं अगर क्योंकि देश का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव तो है नहीं, और इससे ना ही मुख्यमंत्री बन सकता है, इससे सीधे सीधे प्रधानमंत्री चुना जाना है, तो कहीं ना कहीं जो यात्रा का बहुत बड़ा असर है, और जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के फेवर में आता दिखाई दे रहा है, इस बात से यात्रा से ये नज़र दिखाई देता है। चलिए, मैं और बात करता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर से पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर हैं, साजिद खान। साजिद भाई, क्या लग रहा है और रामपुर को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, रामपुर में जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से एक नाटकीय तना का चल रहा है, एक दो लोग पर्चा भरते हैं समाजवादी से, आसिम राजा जो आज़म खां के फेवर में, उधर अखिलेश यादव जी ने मोबीदुल्ला नकवी जो हैं उनको पर्चा दिया, तो यहाँ तो शुरू से ही खींचतान चल रही है, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि शायद यहाँ से समाजवादी कुछ ग्रो कर जाए।
तो आज़म खान ने जो बहिष्कार किया उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, आज़म खान ने बहिष्कार किया वो ठीक है, लेकिन आज़म खान जेल में है, जो उनके समर्थक हैं, और वो खुद परेशान है कि हम कहाँ जाएँ। अखिलेश यादव, क्योंकि आज़म खान का जब मैसेज आया तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी को वोट जाना नहीं है। अगर उनका कैंडिडेट खड़ा होता आज़म खान का तब जाता। अब मोहम्मदुल्ला नकवी जो हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कार्यकर्ता अभी तक किसी कार्यकर्ता में कोई उनका बड़ा नेता अभी तक ना तो कहीं फील्ड में उतर के आया ना किसी ने सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में घूम रहे देख रहे हैं तो हमें भी ऐसा नहीं लग रहा। लग रहा है कि भाजपा को फ़ायदा होगा? बिल्कुल, भाजपा को ये समझ लीजिए रामपुर की खास करके सीट, जैसे कि कहते हैं कि थाली में सजा कर दे दी, ये मान लीजिए आप। आज़म खान की नाराज़गी भारी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ेगी। देखिए, आज़म खान रामपुर के लिए एक चेहरा है, आज़म खान मुस्लिम लोगों के लिए चेहरा है, यहाँ पर आज़म खां के नाम से ही वोट जाता है। जितना टाइम हम भी हो गया कवर करते हुए, तो आज़म खां अगर मुखालफत कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी भारी पड़ेगी। अच्छा, रामपुर कौन जीत रहा है और क्यों, क्या वजह? देखिए, रामपुर में पहली बात तो अब कोई विपक्ष रहा नहीं, हमें तो दिख नहीं रहा है। रहा सवाल लोधी जी का, लोधी जी ने जितना कम समय मिला उन्होंने काम किए और हम लोगों ने देखा है कि वो जगह जगह जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक आप कहीं का भी नेता लाके आप रामपुर में खड़ा कर देंगे, ये कोई वार्ड मेंबर का चुनाव तो है नहीं, बड़ा चुनाव है। तो आप जब फील्ड में नहीं हैं तो आपको लोग जानते नहीं हैं, तो आपको कैसे वोट दे देंगे? पार्टी के नाम पर देते तो आज़म खां के नाम पर देते, समाजवादी के नाम पर यहाँ वोट नहीं देते। अच्छा, रामपुर लोकसभा सीट का क्या समीकरण बनता दिख रहा है आपको इस बार? देखिए, रामपुर लोकसभा सीट का सीधे सीधे बीजेपी स्वीप कर रही है। क्या वजह है? वजह यही है कि विपक्ष नहीं है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए, इंडिया गठबंधन का अगर असर पड़ता, हमें तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जितने भी गठबंधन के लोग हैं हमने तो देखा नहीं। नदवी जी के साथ में आप भी फील्ड में कवर कर रहे हैं, आपको भी काफ़ी टाइम, आपने भी नहीं देखा होगा। आज़म खां एक चेहरा है रामपुर के लिए। मेरे साथ हैं प्राइम न्यूज़ से सीनियर जर्नलिस्ट हैं रिजवान खान, उनसे जानता हूं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और पूरे ज़िले की खैर खबर रखते हैं कि क्या हालात हैं रामपुर के। जी रिजवान साहब, क्या हालात हैं? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से आचार संहिता लगने से पहले जो था, जो चुनाव चल रहा था उसी को लेकर थे, कांग्रेस की तरफ से था बेगम नूर बानो का नाम आ रही था। बेगम नूर बानो ने जो है काफ़ी जो अपनी मीटिंगें करी हैं, मीटिंग करके ना काफ़ी लोग उनकी मीटिंगों में इकट्ठे हुए, उसी को लेकर उन्होंने घोषणा भी की थी और इस बार जो है मैं चुनाव लड़ूंगी और मेरे पति की जो ख्वाहिश है, और उसके बाद जो है मुझे मौका नहीं मिला कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और इधर से जो था भाजपा ने जो है घनश्याम सिंह लोधी को जो है दोबारा मौका दिया, क्योंकि उसको चुनाव में उतारा, और गठबंधन की तरफ से कोई जो है चेहरा सामने नहीं आ रहा था। कई नाम चल रहे थे, आज़म खान की बहू का नाम चल रहा था, फिर उसके बाद आज़म खान के बेटे जो थे बड़े वाले उनका नाम चल रहा था, आदिम आज़म का नाम चल रहा था, फिर उसके बाद आसिम राजा का नाम चलने लगा। इस तरह से कई नाम जो है ऐसे चलने लगे थे, उसी को लेकर चेयरमैन के साहब जो है नगर पालिका उनका नाम चलने लगा था, उसी को लेकर जो थे जब आचार्य से तय लग गई, उसके बाद जो है अखिलेश यादव थे सीतापुर जेल मिलने आज़म खान से पहुँचे। आज़म खान से डेढ़ घंटे के आसपास जो मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद जो है जब वो निकल गए तो सूचना जब मिली बताया गया तो कहा आज़म खान ने कहा रामपुर से चुनाव आप लड़िए और रामपुर आप संभालिए, उसी को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल जो था कार्यकर्ताओं में सपा के जो है वो देखने को मिला, और काफ़ी जश्न भी देखने को मिले, क्योंकि अखिलेश यादव रामपुर आ रहे हैं और कार्डी की टक्कर देखने को मिल रही थी। और उसके बाद जो था ये समझ में आया था अखिलेश यादव से रामपुर से जो है सीट निकाल पाएंगे और ये घनश्याम सिंह लोधी शायद हार पाएंगे उसको, लेकिन कार्डी की टक्कर दिखेंगे नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जिस तरह से नाम होगा, फिर तेज प्रताप का नाम आने लगा, कहा ये इनका नाम आएगा तो उसका नाम पर चर्चा चलने लगी। दूसरे दिन फिर आसिम राजा का नाम चलने लगा, उसी को लेकर नामों की चर्चा चलने लगी ज़ोर शोर से। फिर उसी के बाद जो था आसिम राजा ने जो था और जिला अध्यक्ष ने कॉन्फ्रेंस करके ये बहिष्कार कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसी इसकी क्या वजह है ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीतापुर से ये पैगाम आया था ये कहाँ था ये फैसला किसका था। उसके बाद जो था बहिष्कार कर दिया। दूसरे दिन एकदम अचानक जो है देर रात जो है मौलाना का एक नाम आता है, और मौलाना का नाम के बाद जो और सुबह सुबह जब हम वहाँ पर खड़े होते हैं कवरेज के लिए, वहाँ से देखते हैं मौलाना साहब गाड़ी से उतरते हैं और पर्चा भरने की नहीं जाते, किसी को नहीं पता कौन मौलाना, ये पता चल दिल्ली के मस्जिद में इमाम हैंगे वो और सुवार के रहने वाले हैं वहाँ पर, तो वो पर्चा भरने की नहीं गए। अब्दुल सलाम आते हैं उनकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भागते हुए जाते हैं पर्चा भरने की नहीं है, पीछे देखते आसिम राजा आते हैं वो पर्चा भरने की जाते हैं, तो सपा की तरफ से तीन पर्चे जो हैं वो भर दिए जाते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद दूसरे दिन जो होता है दोनों पर्चे जो खारिज होते हैं सपा की तरफ से, सिर्फ एक ही मौलाना का नाम चलता, मौलाना का पर्चा। अब ये किसका फैसला है रामपुर की जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि ये आज़म खान का फैसला है या अखिलेश यादव का, क्योंकि और जब गाँव देहातों में जब जाए आज़म खान ने तो बहिष्कार कर दिया था ना।
आज़म खान ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन आज भी जो है गांव देहातों में जाओ तो जब तक पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरफ आज़म खान कहेंगे उसी को हम सपोर्ट करेंगे, उसी को हम वोट देंगे। कौन जीत रहा है चुनाव और क्यों? देखिए चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी जो हैं उनको जो 1.5 साल का वक्त हो गया, 1.5 साल में जो है वो लगातार जो है गांव देहातों में अपनी चौपाले करते रहे, जगह जगह जाते रहे, हर किसी के गांव में जाके जो है उनसे मुलाकात करते थे, कोई मैयत हो जाए या शायद हुई हो जाए तो वहाँ जाते थे लगातार, और सुबह से निकलते थे, सुबह 8 बजे से उनके जनता दरबार लगता था और उसके बाद 11 बजे तक जनता दरबार लगता था, लोगों की सुनवाई सुनते थे, फ़ोन करते थे लोगों को, उसके बाद जो थे वहाँ से निकलते थे, गाँव देहात में जाते थे और जनता की समस्या थी सुनी जाती थी, गाँव में जो इनकी विषय थे वो नोट कराते थे, सड़कें हैं ये है नाले, उसको कोई दिक्कत परेशानी किसी गाँव में देहात मारी है वो चेक करते थे सब जाके, और उसके बाद जो था जब घर को आते थे फिर रात में भी लोग उनके वहाँ पर खड़े होते थे, 1.5 साल का वक्त था उनको, तो उसमें 1.5 साल में उन्होंने जो है काफ़ी काम किया, तो उसी को लेकर भाजपा ने दोबारा उनको जो है दांव खेला, उसको दोबारा जो है उनको चुनाव में जो है प्रत्याशी बनाया। हालांकि बताया जा रहा था घनश्याम सिंह लोधी जो है मजबूत कैंडिडेट हैं वो जीत पाएंगे, लेकिन जब से अखिलेश यादव का नाम चला तो वो दोनों को बताया जा रहा कार्डे की टक्कर चल रही है, अखिलेश यादव जो सीट निकाल पाएंगे, लेकिन जब दोबारा मौलाना का नाम रहा तो बहुत जो है अखिलेश यादव ने जो है यहाँ से नखलव या रामपुर से लेकर नखलव तक और नखलव से लेकर सीतापुर, सीतापुर से लेकर मुरादाबाद तक जो दो सीटें थी एचटीएसएन की थी उनका भी टिकट करा काटा गया, रुचि वीरा को दी गया टिकट, इधर से आसिम राग जगह काटा गया, आज़म खान के दोनों थे ये, और उसी को लेकर मौलाना को दिया गया, तो अब वो मौलाना भी है, मौलाना जो है वो दिल्ली में रहते हैं या सुहार के रहने वाले हैं, तो उन्हें तो इतना मालूम ही नहीं है यहाँ पे विधानसभा क्या कहाँ पे कितना वोट है क्या कहते हैं। रिजवान साहब मौजूदा सांसद के कामकाज से आप कैसे मानते हैं, कैसे कामकाज रहा 1.5 साल का? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया लगातार जब से जीते हैं वो तो गाँव देहातों में दिखे हैं, हालांकि शहर में बहुत कमी से आए हैं वो, गांव देहातों में ज़्यादा दिखे हैं, लोग काम करें, लोग उनके घरों पर आ रहे हैं, उनके बस सबकी समस्या सुनना, थानों में फ़ोन करना, ये करना, मतलब इस तरह जनता के काम में चलते, तो उनके जो पंचायत एक लगी रहती है, और जब किस टाइम पे आप सवरिया पे जाएंगे वहाँ पंचायत मिलेगी, आप घर पे जाएंगे तब बैठे हुए मिलेंगे, काम किए हैं काम तो उन्होंने काफ़ी किए हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे जो है कितनी बड़ी फाइट जो है रामपुर में देखने को मिलती है, क्योंकि सबको इंतज़ार है उस आदेश का, अगर आज़म खान का क्या मैसेज आता है जेल से, किसको चुनाव लड़ाना, किसको सपोर्ट करना है, सबको ये करना है जी। मुजस्सिम साहब एक सवाल आपसे लेना चाह रहा था मैं, राहुल गांधी की यात्रा से कितना फ़ायदा में होगा और क्यों होगा, कितना फ़ायदा मानते हैं यात्रा जो करें? देखिए आमिर खान साहब आप भी लगभग ये शो करते रहते हैं सब, और आप फील्ड में रहने के बाद जनता की नब्ज़ टटोलते हैं और उसमें आपको बहुत कुछ वो चीज़ निकाल के लेके आते हैं और जिसका असर लोगों को देखने को भी मिलता है। यहाँ राहुल गांधी की तो बात हो रही है, इंडी गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन एक शख्स और है, एक पार्टी और है जो BSP, जिसका जो BSP ने जिस युवा चेहरे पर जो दाव लगाया है ज़ीशान खान, और यहाँ पर बड़ी तादाद में SC का वोट भी मौजूद है, अगर मुस्लिम वो BSP के कैंडिडेट पे चढ़ता है और उसके बाद SC का वोट अगर वो कहीं ना कहीं जो कैडर वोट है उसको अपने पाले में लाने की में सक्षम रहते हैं वो, तो बहुत बड़े रिजल्ट हो सकता है, यहाँ पर उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि आसान जो है रहा किसी के लिए नहीं है, ना समाजवादी वाले कैंडिडेट के लिए रहा आसान है, ना लोधी जी के लिए और ना ही BSP वाले के लिए, समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि जो 42% हिंदू वोट है उसमें SC का वोट भी शामिल है, और कहीं ना कहीं अगर SC का वोट जो ख़ास तौर से जो जाटा समाज का वोट है अगर BSP के कैंडिडेट को मिलता है तो रहा घनश्याम सिंह लोधी के लिए आसान नहीं होगी, उनको कहीं ना कहीं अपनी जो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की ज़रूरत है, मुस्लिम वोट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में ले आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा असर देखने को मिला। और रहा सवाल जो राहुल गांधी की यात्रा है तो उसका तो कहीं ना कहीं देखने को असर मिल ही रहा है, लेकिन सबसे जो अजीब बात यह है कि रामपुर में का जो मुस्लिम था वो बेगम नूरबानो को कांग्रेस के प्रत्याशी को चाहता था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं मिला, चाहे वजह कुछ भी रही हो, चाहे आज़म खान का जो एक मजबूत एक पक्ष रहा हो, क्योंकि आज़म खान और जो नूरमहल यानी जो कांग्रेस है यहाँ पर जो कांग्रेस का वर्कर से BJP से इतनी दुश्मनी नहीं है जितनी दुश्मनी आज़म खान से है, और आज़म खान की दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी के लोकल स्तर पर नहीं है जितनी नूरमहल तो रही है यानी जो कांग्रेसियों से रही है, तो उसका जो है बहुत बड़ा एक जो एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जिस तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा
क्योंकि अगर वो जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का वर्कर है, वो अगर कहीं ना कहीं बीएसपी के खाते में गया, जिशान जो खान हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनके पाले में तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं जी। यही इसी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर त्रिकोणीय इलेक्शन फिलहाल नज़र आ रहा है, आज़म की नाराज़गी का भी असर दिखे। जी जी जी, आज़म खान, अगर आज़म खान ने कहीं ना कहीं अंदर खाने से बीएसपी के प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। अगर महमूद पराचा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर कोई अगर धुरी है चुनाव की तो वो आज़म खान हैं। उनकी चिट्ठी जो भी रिजल्ट लेके आएगी वो बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा रामपुर के अंदर। जी प्रधान साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाह रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा से कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? कुछ तो बेहतर होगा, क्योंकि एक्चुअली देश में दो विचारधाराएं चलती हैं, चल रही हैं। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। दो विचारधाराएं, जिसकी एक लीडरशिप बीजेपी के पास है और दूसरी लीडरशिप, अब जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं वो परेशान थे कि लीडरशिप या उनको नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था, वो संशय की स्थिति में थे। उनको एक कम से कम लीडरशिप मिली है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आज़म खां की ये सीट सपा के खाते में ना जाकर कांग्रेस के खाते में गई होती तो निश्चय परिणाम अलग होते। शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के सीनियर पत्रकारों से बात की, जिन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। रामपुर से आमिर खान, न्यूज़ तक और यूपी तक के लिए।